नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं इतने दिन 10 से 15 दिन तक मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरा मोबाइल लिया है, बहुत अच्छा नहीं है, इसका कैमरा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये मैं अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पहले से मैं शूट कर ले रही हूँ। तो गाइस, आज मैं हाजिर हूँ जो है स्किन केयर के बारे में बताने के लिए। मैंने पहले बताया था कि मैं अपनी वीडियो लाऊंगी, मुझे स्किन बताऊंगी मैं मॉर्निंग में क्या लगाती हूँ ऐसे। तो गाइस, जैसे मॉर्निंग में लोग लगाते हैं और सनस्क्रीन, और जो है मैंने बताया था कि और सनस्क्रीन और ग्लासेस, ये दो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि रोज़ रोज़ हम सनस्क्रीन लगाएँ। मैं तो रोज़ रोज़ नहीं लगा पाती, लेकिन मुझे खास करके हफ्ते में 2 से 3 दिन अगर मैं घर में हूँ तो ज़रूर लगा लेती हूँ। सो गाइज, तो अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं डेली लगाती हूँ। तो सबसे ये कहती हूँ कि लगाना तो डेली चाहिए, लेकिन कभी कभी नुकसान कर जाता है, इसलिए चेहरे को थोड़ा सा बचत करने के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि इससे क्या होता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं सबसे पहले ऑयली स्किन वाले से कहती हूँ, मुझे कहते हैं कि इससे सारे और ऑयली स्किन वाले हैं उनको ऐसे ही अपने चेहरे का मॉर्निंग में ऐसे ही केयर करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। तो मैं सबसे पहले बताऊँगी, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया, अभी मैं अपने फेस को कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। मैंने कान में इयर रिंग डाला, लिपस्टिक लगाई है और सिंदूर, ये पीला पीला सा दिख रहा होगा, और ये बिंदी लगाया। ये सिंदूर कल 30 था, व्रत था, गणेश चतुर्थी थी, तो हम लोग, मैं व्रत थी, तो इस हमारी यूपी में शादी होती है ना, तो इसी से शादी होती है। तो मैं जिस दिन फास्ट रहती हूँ, व्रत रहती हूँ ना, उस दिन मैं यही सिंदूर अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, वो सॉरी अपने मांग में यही सिंदूर लगाती हूँ। तो सो गाइज, मैं आज की टॉपिक पर आती हूँ। मैं सबसे पहले मैं लगाती हूँ गुलाब जल। मैंने छोटे से एक स्क्रब बॉटल में रख रखा है इसको, मैंने बड़ी बॉटल ले रखा है इसलिए बड़े से नहीं हो पाता, छोटा लिया है, ठीक है। इसको मैं अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लीजिए और इसको सूखने दीजिए, एक मिनट तक सूखने दीजिए। इसके पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको अपने फिंगर्स की मदद से हल्के हल्के मसाज करके मैं इसको सुखा लूँगी, ठीक है। वैसे ये बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी सूख जाता है, और आप इसको अपने फिंगर्स की मदद से सुखा लेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम हाउस वाइफ को क्या होता है ना, टाइम नहीं होता हमारे पास, और हम जल्दी से सूखते हैं, फटाफट कुछ भी लगाएं, जो लगा के हम यहाँ से रेडी हो जाएं और हम चले जाएं अपने किचन की तरफ, और अपने घर वालों बच्चों का सब तक ख्याल रखें, खाना पीना बनाएं, ये सब हम लेडीजों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरा सूख चुका है, और मैं जो क्रीम लगाती हूँ वो है गार्नियर की क्रीम है, लाइट कंप्लीट है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारी क्रीमें लगाई, बहुत महंगी क्रीमें लगाई हैं, लेकिन मुझे चेहरे पे बहुत कम ही सूट किया, लेकिन ये क्रीम मुझे सूट करती है। तो आपको जो क्रीम सूट करती है वो आप लगाइए अपने फेस पर, जो आपको अच्छा लगता है वही आप अप्लाई करिए। तो अगर आप चाहें तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करने बनता है। अगर आपको लगता है कि क्रीम मेरे फेस पे सूट नहीं करती है, तो किसी चीज़ को रिजल्ट जल्दी नहीं लेना चाहिए। कोई भी स्टार्टिंग में चीज़ लगाओ ना, फेस पे क्रीम लगाओ, कोई भी चीज़ लगाओ, तो जल्दी फ़ायदा नहीं देता, हफ्ते 10 दिन बाद इसका रिजल्ट पता चलता है। तो ये मुझे 10 दिन हफ्ते बाद, पहले तो दाने निकलने थे, वाइटनिंग वाइट वाइट सा ऐसे रेसेस हो जाते थे, फिर लेकिन 10 से 15 दिन बाद ही अच्छा रिजल्ट देने लगे मेरे फेस पे सूट, और मेरे चेहरे के सारे दाग धब्बे हटने लग गए। तो मैं ऐसे क्रीम को अप्लाई करती हूँ, मैं इतनी ही क्वांटिटी में क्रीम लगाती हूँ, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और ये जेल फॉर्म में है, और आपको बिल्कुल चिपचिपाहट भी नहीं होगी, और ये आपके चेहरे पे बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको रगड़ के नहीं लगाना है, आपको हल्के हाथ से अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है। और मैं तो जहाँ तक कहूँगी, अगर आप ये क्रीम लगा रहे हैं ना, तो इसके बाद आपको कुछ ही फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना वाइटनिंग देता है, इतना अच्छा देता है, और इतना चेहरे पर ग्लो करता है कि आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात, मैं इसके बाद क्या लगाती हूँ। मैं इसके बाद लगाती हूँ जॉनसन बेबी पाउडर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जॉनसन बेबी पाउडर लगाती हूँ। बहुत ऑयली स्किन वालों के लिए कोई पाउडर सूट नहीं करता है, ना कोई कंपैक्ट सूट करता है, तो हम परेशान हो जाते हैं हम ऑयली स्किन वालों। तो जो है मैं यही लगाती हूँ, मेरे फेस पे जल्दी कोई पाउडर सूट नहीं करता है, तो मैं कंपैक्ट की जगह इसको लगाती हूँ, और ये मुझे कंपैक्ट का पूरा फ़ायदा देता है। चाहे मैं पार्टी जाऊँ, फंक्शन जाऊँ, बाहर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो मैं इसी को जल्दी से फटाफट लगा लेती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से अपने हैंड्स की मदद से ही मैं इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि मेरे चेहरे पर और थोड़ी सी रौनक आ जाए, ठीक है।
भी इसको अप्लाई कर लीजिए और देख लीजिएगा, आपको कुछ और चीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये आपको बहुत ही अच्छा आपके फेस पे ग्लो देगा। और ये देखिए टन टन मैं रेडी हो गई, नहीं सॉरी अजीब से रखा आ गया। और ये देखिए मैं रेडी हो गई, मैंने लिपस्टिक बिंदी सिंदूर मैंने पहले से लगा था, ईयर रिंग पहना था। तो मैं अब चलती हूँ अपने काम की तरफ। तो सो गाइस, अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास जिसकी खासकर ऑयली स्किन है, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अच्छी अच्छी लेकर आती रहती हूँ। क्योंकि हर चीज़ को वीडियो आती रहती है, लेकिन जो हम लोग डलनेस और डार्कनेस हो जाती है ना ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही कम आती है। जो आती भी है, कोई कहता सूट करता है, कोई कहता नहीं सूट करता, लेकिन यकीन मानिए, ट्रस्ट मानिए, अगर आप मेरे इस चीज़ को फॉलो करेंगे, लगाएंगे ना, जितने दिन जैसे जैसे मैं कह रही अगर वैसे लगाएंगे ना, आप दोबारा आएंगे मेरे चैनल पर और मुझे देखने आएंगे कि हाँ ये हमें फ़ायदा करता है। क्योंकि ये बच्चों के लिए पाउडर होता है, अगर बच्चों को फ़ायदा करता तो हमें क्यों नहीं है ना। तो अगर कहीं फेस पे लगा रह जाओ, क्योंकि कैमरा इतना क्लियर इसमें का नहीं है, तो सारा माइंड मत करिएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।